यूपी में मदरसों की विदेशी फंडिंग पर सिकंजा कसा जा रहा है। मास्टरमाइंड की तलाश तेज हो गई है। यूपी एटीएस घुसपैठियों का नेटवर्क तलाश रही है। विदेशी फंडिंग लाने वाले स्वयंसेवी संगठनों और उनके जरिए चंदा प्राप्त करने वाले मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है। बांग्लादेशी नागरिक आदिल को पश्चिम बंगाल लेकर जाकर ऐसे कुछ ठिकानों पर पता भी लगाया गया है जहां से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खुलासा हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में मदरसे लंबे वक्त से सुर्खियों में हैं। कभी अवैध गतिविधियां तो कभी फंडिंग को लेकर मदरसों पर सवाल उठते रहे, लेकिन अब योगी सरकार ने मदरसों पर नजर तिरछी कर ली। यूपी एटीएस को मदरसों के जरिए देश विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग के मास्टरमाइंड की तलाश है। इसके लिए विदेशी फंडिंग लाने वाले स्वयंसेवी संगठनों और उसके जरिए चंदा प्राप्त करने वाले मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है। बांग्लादेशी नागरिक आदिल को पश्चिम बंगाल ले जाकर ऐसे कुछ ठिकानों का पता भी लगाया गया है। विदेशी फंडिंग के मामले में जल्द ही एसआईटी उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसों की जांच करने वाली है, तो वहीं यूपी एटीएस भी अब सक्रिय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस वैसे संस्थाओं और वैसे लोगों की तलाश में जुट गया है जो ऐसे मदरसों की मदद करते हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से एक बांग्लादेशी नागरिक को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया और माना जा रहा है कि उसके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उन दस्तावेजों के मुताबिक कहीं ना कहीं मदरसों को होने वाली विदेशी फंडिंग के साथ भी उसका नेटवर्क जुड़ा है। हालांकि उस शख्स को यूपी एटीएस पश्चिम बंगाल भी लेकर गई थी और माना जा रहा है कि उन जगहों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां से इन चीजों को संचालित करने की कोशिश की जा रही थी। पिछले साल मदरसों का सर्वे कराया गया था और उसी सर्वे की रिपोर्ट के बाद अब मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। एसआईटी सबसे पहले वडो क्षेत्र जिसमें नेपाल की सीमा से सटे हुए जो मदरसे हैं उनकी जांच करेगी। इसी महीने से एसआईटी मदरसों को फंडिंग मामले में नोटिस भी जारी करने वाली है। अवैध फंडिंग की जाँच एडीजी मोहित अग्रवाल वाली एसआईटी करेगी। यूपी के करीब 24,000 मदरसों में 16,000 पंजीकृत और 8,000 अवैध मदरसों के जरिए टेरर फंडिंग की आशंका जताई गई है। प्रदेश के सभी मदरसों के सर्वे के बाद एक बार फिर मुजफ्फरनगर के मदरसे चर्चाओं में है। कारण है कि मुजफ्फरनगर शिक्षा विभाग ने जिले के लगभग एक दर्जन से ज्यादा मदरसों को नोटिस जारी किया है और पूछा गया है कि अगर उनका मदरसा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार मान्यता प्राप्त है तो आप मदरसे की मान्यता से जुड़े दस्तावेज पेश करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शासन एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों के क्रम में हमारे विद्यालयों की जांच की गई, जिसके क्रम में पुरकाजी ब्लॉक में लगभग 12 मदरसे एवं विद्यालय हमारे पाए गए, जिन्हें इस संबंध में नोटिस जारी किया जा चुका है कि यदि उनके पास विद्यालय की मान्यता संबंधी कागज है तो वो तत्काल कार्यालय में जमा कर दे, अन्यथा के संबंध में उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये मदरसे जो धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं ये उस कानून से बाहर है। अभी दर्जनों मदरसे हैं जिले में जिनको नोटिस जा चुका और उम्मीद है कि अगर ये इन्होंने रोक न लगाई तो फिर आगे बढ़ाएंगे, तो ये चीज गलत है कि जिससे बेवजह के एक टेंशन पैदा हो। माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी हमारा बात करने का इरादा है कि हम कहेंगे कि वो शिक्षा विभाग से संपर्क करें और इस तरह की चीजों पर रोक होनी चाहिए। दरअसल यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। ये सीमा पूरे तौर से खुली हुई है और केवल पिलर के माध्यम से अलग की गई है। कई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इन इलाकों में मदरसे बड़ी संख्या में खोले गए हैं। अब ये मदरसे एसआईटी के रडार पर हैं। लिहाजा एसआईटी विदेशी फंडिंग के इस्तेमाल के हर पहलू को गहराई से खंगालने जा रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसे हजारों मदरसे हैं जिनके ऊपर एजेंसियों को शक है कि जो उनको फंडिंग होती है या जो भी उनको चंदा मिलता है उस चंदे का जो स्रोत होता है उसकी ठीक जानकारी नहीं दी जाती है। और यही वजह है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है फंडिंग मामले में मदरसों की जांच के लिए, क्योंकि माना जा रहा है कि जल्द ही इन मदरसों को एसआईटी की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा और जो उनको चंदा मिलता है या जो भी जकात मिलता है उसके बारे में जानकारी मांगी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सेपरेशन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।